नमस्कार किसान भाइयों, यस ट्रैक्टर शामली यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए जो हम वीडियो लेके आए हैं वो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है। सबसे पहले हम आपका परिचय कराते हैं। अरविंद सरोवा जी, जो कुबोटा कंपनी से, आप अपना परिचय दें। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अरविंद सरोवा। आप में से बहुत किसान भाई मेरे चेहरे को जानते होंगे, नाम को जानते होंगे। आज हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से एक नई वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअली देखने में आया है कि कुबोटा का न्यू स्टार सीरीज में 21, 24 से 27 हॉर्सपावर किसान जब खरीद लेता है तो उसको कल्टीवेटर एक ऐसा इम्प्लीमेंट है, उस पर कई बार सेटिंग समझ में नहीं आती। उन सेटिंगों को कैसे फॉलो करना है, ट्रैक्टर कैसे चलाना है, कम डीजल में और कम समय में आप कैसे ज़्यादा खेत निकाल सकते हो, तो हमारे पास आज एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है जो कुबोटा का न्यू स्टार सीरीज में 27 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर है और उस मोटर का नाम है B2741S। आज जो हमने इम्प्लीमेंट लगाया है ये है एडजस्टेबल कल्टीवेटर। ट्रेंच विधि के गन्ने में सबसे बेस्ट ऑप्शन कल्टीवेटर का यही है। आप अपने गन्ने की लाइनों की चौड़ाई घटाने और बढ़ाने के हिसाब से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। 5 फीट का चौड़ाई का खेत है तो उसके खुरपों की चौड़ाई बढ़ा सकते हो और 4.5 फीट का खेत है तो चौड़ाई आप घटा भी सकते हो। ये कल्टीवेटर ट्रेंच विधि के गन्ने में सबसे कामयाब है। अब सवाल आता है कि कल्टीवेटर को चलाएं कैसे। रोटावेटर एक सीधा साधा यंत्र है, उसको चलाने के लिए आपको किसी हाइड्रोलिक सेटिंग की आवश्यकता नहीं है, केवल पोजिशन लेवर से उसको आप उठाना और गिराना कर सकते हैं, जितनी गहराई देनी है कर सकते हैं, जितना गहराई बढ़ानी है कर सकते हैं, ये बाहर के लीवर से। अरविंद जी, इसमें दो ड्राफ्ट हम देख रहे हैं, तो आप इन दो ड्राफ्ट के बारे में पहले बताएं हमें। ये है पोजीशन लीवर बड़े वाला जी, पीसी पोजीशन। पोजीशन लीवर का मतलब है किस पोजीशन पे यंत्र को रखना है, 4 इंच की गहराई पे या 2 इंच की गहराई पे या 10 इंच की गहराई पे, वही गहराई कंटिन्यू आपको मिले उसके लिए ड्राफ्ट लीवर की सेटिंग हमें करनी पड़ती है। ये अलग अलग मिट्टी में, अलग अलग नमी में, अलग अलग खेतों में करनी पड़ती है। खेत में जाने के बाद इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। इसके साथ साथ कुबोटा के ट्रैक्टर में एक स्पेशल सुपर ड्राफ्ट कंट्रोल नाम की यूनिट आती है जो ड्राइवर सीट के बैक साइड में है। इसमें यदि आप रोटावेटर चला जी, ये सुपर ड्राफ्ट कंट्रोल की यूनिट है। जब हमें रोटावेटर चलाना है तो इसको कुछ भी इसमें करने की आवश्यकता नहीं है, ये नीचे रहेगा, बिल्कुल इसी पोजीशन में रहेगा जैसे अभी है। जब हम सख्त मिट्टी में काम करते हैं तो इसको एक नंबर हम ऊपर उठा देंगे, ठीक है जी। यदि हम जो पश्चिमी यूपी की भाषा में बोला जाता है बताऊ खेत जी, जी, जी। और कासगंज एटा की भाषा में बोलते हैं प्लेवट का खेत जी, जी, जी। नमीदार खेत जिसमें हल आसानी से घुस जाए जी। उस खेत में इसको लास्ट स्टेज पे ले जाएंगे। यहाँ आप दिखाइए, इसको अभी ये एक नंबर पे, इसको हम दो पे कर देंगे जी, जी, जी। यानी कि ये जो बाउल तो है तो मुझे लगे कुबोटा से अलग किसी ट्रैक्टर में सुपर ड्राफ्ट कंट्रोल नहीं, किसी में भी नहीं आता। 21 हॉर्सपावर, 20 हॉर्सपावर से लेकर 50-55 हॉर्सपावर तक ये यूनिट केवल कुबोटा के न्यू स्टार सीरीज में ही है। कल्टीवेटर कहाँ लगाना है, सबसे ऊपर के सुराख में लगाना है। 3 छेद दिए गए हैं, ये रोटावेटर के लिए है, सबसे नीचे यहाँ जी, ये सख्त मिट्टी के लिए है जी, ये प्लेवट के बताऊ खेत नमी वाले खेत के लिए जी, जी, जी। यहाँ इसलिए लगाना है कि ये हाइड्रोलिक की सेंसिंग रोड के पास जो होल होता है वही कल्टीवेटर चलता है जी, जी। अब कल्टीवेटर चलाने के लिए हमें क्या करना है, ट्रैक्टर को खेत में ले जाते हैं और उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको समझाते हैं। बाकी अगर हम इनकी बात करें, जैसे कि ये हमने ये टोपलिंग लगाया, इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इसकी ऊंचाई इस होल से 6 इंच ज्यादा होनी चाहिए, टिलर की तरफ से ऊंचाई होनी चाहिए। एक्चुअली जैसा डिजाइन होना चाहिए उसमें अभी थोड़ी सी कमी है जी, जी। ये टोपलिंग बिना जुताई के इस हाइट पर आनी चाहिए। ओके, जब हम गहराई बढ़ाएं तब लगभग इस कंडीशन में टोपलिंग का झुकाव ट्रैक्टर की तरफ, क्योंकि इसके खुरपे जमीन में अंदर घुस जाएंगे तो इसकी ऊंचाई और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी जी। तो चलेगा तो तब भी ठीक, मगर और बेहतर कार्य करने के लिए ये 2 इंच का ढलान आवश्यक है खुरपे जमीन में जाने के बाद, ठीक है। यानी कि आपकी भाषा में जब ट्रैक्टर और टिलर काम कर रहा हो और टिलर के खुरपे जमीन में घुसे हुए तो ये ढलान रहना उस समय, ये ढलान फिलहाल ये अभी इसका जमीन पर रखे हुए का है। अभी अगर हम इसमें से 3 इंच की गहराई देंगे तो ये 3 इंच और डाउन होगा, डाउन हो जाएगा, तो यहाँ सेंसिंग यूनिट पे प्रेशर जाना कम हो जाएगा जो कि गलत है जी, जी, जी। तो ऊंचाई ये गहराई जाने के बाद रहनी चाहिए। एक किसान भाइयों ध्यान ये रखना है, जब आप नया ट्रैक्टर लेते हैं तो ये टॉपलिंग हम आपको साथ में देते हैं, इसकी ये पिन भी देते हैं, तो यही पिन आपको लेकर के जानी है कल्टीवेटर बनाने वाले के पास में। इस जो टॉपलिंग में ये होल है यही होल यहाँ होना चाहिए। अब इस कल्टीवेटर के अंदर ये पले है, अच्छा, ये पले नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए।
ये अगर चाल होगी, जब भी हम अपना टीलर किसी भी कोई भी किसान भाई टीलर को बनवावे जी किसी भी संस्था पे जाके, तो टोपलिंग के साथ में चीजें हम बतावे कि भाई ये होल इतना चौड़ा नहीं होना चाहिए जिससे इसमें ढील या लूज हो। बिल्कुल, टोपलिंग की पिन साथ में लेके चले जाए तो सबसे अच्छी बात है। अपने टोपलिंग की पिन साथ लेके जावे और जो भी टीलर भाई बना रहा है उसे दे दें कि भाई ये जो छेद हो इसके इसके हिसाब से हो, बस इसमें चिपकता चले, ढीला भी ना हो, टाइट भी ना हो, आराम से। तो ये इसमें मेन चीज है। होता क्या कि अंदर जो रोड दबती है वो भी इतनी ही दबती है जितनी ये पल्ले है। अब ये पल्ले तो भारी हो गई, वहां तक दबाव जाता ही नहीं है, ये यहीं पर खत्म हो, ये यहीं पर दबाव उसका खत्म हो चुका। अंदर दबाव जाना चाहिए हाइड्रोलिक टापे के अंदर। चले आप खेत में जी, अब खेत में चलते हैं किसान भाई, बाकी की जानकारी। रविंदर जी, किसान भाई हम जो है ना खेत पर आ चुके हैं ट्रैक्टर लेके, और बाकी की जो है ना जानकारी आपको जी। अरविंद भाई जी, आपका नाम रविंदर जी है। रविंदर जी, आप जब भी ट्रैक्टर चलाएं सबसे पहले कल्टीवेटर में इस सुपर ड्राफ्ट कंट्रोल के हैंडल को पकड़ के या यहाँ से पत्ती को पकड़ के एक नंबर और ये दो नंबर पे करना है। दो नंबर पे करने के बाद में फिर ड्राइवर सीट पे आप बैठो, उसके बाद ट्रैक्टर आप न्यूट्रल करें, ट्रैक्टर स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद में मीडियम का पहला, लो का तीसरा और हाई का पहला, इन गियरों में स्पीड के अनुसार खेत की कंडीशन के अनुसार आप लोड ले सकते हैं। अभी मैं आपको लो का तीसरा, मीडियम का पहला और हाई का पहला, ये तीनों गियर मैं चेक कराता हूँ। हम शुरू में लेते हैं लो में, ये लो और ये तीसरा। अब डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है लीवर यहाँ काम करे, क्योंकि तो हमें वो यूनिट भी पीछे वाली सहारा दे रही है टिलर को ना फंसने दे, तो ये हमें देखना है कल्टीवेटर कहाँ फंसेगा या नहीं फंसेगा। हमने आरपीएम बढ़ाए, लोगों यहाँ तीसरा, अभी 2000 RPM हमने किया है। ट्रैक्टर के साथ साथ आपको चलना है, अभी ये ट्रैक्टर फंसेगा। हमने 4x4 लगाया तो इस लीवर को थोड़ा सा पीछे करके जाएंगे, अभी बात नहीं बन रही तो उसको भी पीछे करेंगे। जहाँ बढ़िया चलेगा वहाँ चलाना है ना, लीवर कहीं भी रहेगा गहराई से मतलब होना चाहिए। अपने आप निकलेगा अगर सर्विसिंग अच्छी होगी तो। अब आओ दौड़ जाओ मेरे साथ साथ आओ। अब इस खेत के हिसाब से इस लीवर को आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल इसी से गहराई बढ़ रही है, इसी से घट रही है। अगर टिलर नहीं लगता तब ये लीवर आगे लेके जाना है। अब ये गहराई भी आ रही है, ट्रैक्टर लोगे तीसरा भी चल रहा है और ये दो नंबर पे यहाँ बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ इधर से अगर देखते हैं दो नंबर ग्यारह ही जाना है तो थोड़ी कम कर लेते हैं, मिट्टी फंस रही है। ऊपर उठाया और फिर नीचे रख दिया। केवल मिट्टी फंसेगी इसलिए उठाना है, अपने आप नहीं फंसेगा। अब ट्रैक्टर बैक करना है, उठाया सीधे हम गए हाई में आ गए। यहाँ से हमने लिया बाहर निकाला पहला RPM वही है। अब आप इधर आ जाओ, हैंडल पकड़ के रखना, पांच ट्रैक्टर के साथ ही चलोगे ऐसे। अब मैं कल छोड़ता हूँ, RPM वही है, स्पीड बढ़ जाएगी और ये लीवर वही दो और तीन नंबर के बीच में आके रुकेगा।